बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रदेश में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम सदस्य उपस्थित रहेंगे। बैठक में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी के चयन को लेकर नामों पर मंथन किया जाएगा, जिसके बाद केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को प्रत्याशी के नामों का पैनल भेजा जाएगा। बागेश्वर के लिए उनको भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की है। उनके लिए बागेश्वर में चार मंडल कुल हमारे भाजपा के बनाए गए हैं। उन चार मंडलों में से दो दो मंडल दोनों सांसदों को की जिम्मेदारी उनके दी गई है। और आगे चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चंपावत चुनाव में जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिकॉर्ड बना करके पूरे देश के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया है 94% वोट हासिल करके, उसी प्रकार से हम बागेश्वर में भी सभी दलों की जमानत जब्त करते हुए प्रचंड जीत हम वहां पर जीतने वाले हैं।